अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सलीम बशीर, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉगर टेक। जैसे कि दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, इस तरह की वीडियो बनाने का मैं ट्यूटोरियल बताने लगा हूं। वीडियो को देखते रहें एंड तक, भी वीडियो को आपने थोड़ा सा पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आपने पार्ट स्किप कर दिया तो आपको इस वीडियो की यानी कि इस ट्यूटोरियल की समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं दोस्तों मोबाइल में, और मोबाइल में जाके आप लोगों को इस वीडियो का मुकम्मल ट्यूटोरियल बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपने इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए, सीखने के लिए आपने कुछ इस तरह से एक्टिंग करनी है और वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है अपने मोबाइल को ट्राईपोड पे रख के ना, क्योंकि मोबाइल का आपका हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे। काइन मास्टर ओपन होने के बाद हम जाएंगे मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद हम जहाँ पे स्टोरेज पे जाएंगे, और वो हमने जो हमारी है वीडियो है, हम उस वीडियो को टाइमलाइन पे लेकर आएंगे। हमने उस वीडियो को टाइमलाइन पे लेके जाना है। ये वीडियो टाइमलाइन पे चली गई, अब देख सकते हैं ये ओरिजिनल वीडियो है। हमने पहले इस तरह से कुछ एक्टिंग करनी है, ये देखिए। एक्टिंग होने के बाद ये सबसे पहले आपने जाना है थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ पे इसको करना है, यहाँ पे ये स्क्रीन शॉट पे जाना है, इसका लेना है कैप्चर एंड सेव। यहाँ पे आपने क्लिक करना है कैप्चर एंड सेव पर, ये इसका शॉट बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है जी, यहाँ पे आपने इसको कट कर लेना है, स्पील टैड प्ले हेड पे बाकी का हिस्सा डिलीट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे जो आपने कैप्चर की है वो तस्वीर आपने लेकर आनी है टाइम लाइन पे, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी वीडियो तैयार हो गई। अब आपने लेयर पे क्लिक करना है, लेयर के क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपने ये ग्रीन स्क्रीन में, आपको इस ग्रीन स्क्रीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको आप इस तरह ओपन करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले आपने इसकी जो क्रोमा की है, क्रोमा की को यूज़ करके इसका ग्रीन कलर जो है वो गैप कर लेना है, ठीक है जी। अब देख लेना है आपने, यहाँ पे इसको कट करना है, स्पील टैड प्ले हेड पे फर्स्ट वाला आपने जो पार्ट है वो डिलीट कर देना है। अब देखें ये जो हमारी ओरिजिनल वीडियो है इसके साथ हमने मैच करना है इसको, ये देखें जी। यहाँ पे इसको मैच कर लें, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें आप, ये देखें दोस्तों वीडियो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। ये देखें थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। अब देखें ये, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये थोड़ा सा, देन डिलीट, इसको आप फ्रंट पे करें। ये ग्रीन स्क्रीन जो होती है, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट इसी को कहते हैं क्रोमा की। यहाँ पे आप क्रोमा की यूज़ करते हैं ना, तो इसको ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट कहते हैं।
काफ़ी भाइयों को यही नहीं पता कि ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है और क्रोमा की क्या है। क्रोमा की यही है, ये देखें यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है, जो कलर आपने गैप करना है उस कलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से मैनेजमेंट कर लेनी है इसकी, ये देखें अच्छे से गैप कर लें क्रोमा की, ये क्रोमा की अच्छे से मैंने गैप कर ली है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो किस तरह की तैयार होगी। दोस्तों हमारी वीडियो तैयार हो गई है, तो किस तरह की आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अगर ये ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल में आपको किसी भी जगह पे कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका मसला उसी वक्त आपको मसले का हल बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारा अगला नया ट्यूटोरियल आने वाला है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और ट्यूटोरियल के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई आपको इस वीडियो में यानी कि इस ट्यूटोरियल में कोई मसला है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को कमेंट में जवाब दूंगा। और कोई ऐसी कोई बात अगर आपने पूछनी है किसी चीज़ का, आपको ट्यूटोरियल चाहिए, फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल चाहिए या वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं उसी ट्यूटोरियल पर बनाऊँगा। मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई ट्यूटोरियल के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।